हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी ऑफ पीडिया एंड आई वेलकम यू टू अवी तो द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इज कि क्या यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2024 में भी कनेक्ट होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस अगर होने वाला है तो कब होगा अगर कब होगा तो हमें प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है बेसिकली थ्री क्वेश्चंस आर देयर राइट आज हम पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या हमारा एग्जाम 2024, right. so, well, 2024, yes. 2024 के अंदर एग्जाम कनेक्ट होने वाला है कि नहीं ईपीएफ होगा राइट तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विलेट स्टार्ट अवर वीडियो आई बी टेलिंग यू विल यूपीएससीग्जाम कनेक्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लियर कट आंसर विल बी यस दो हजार चौबीस के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जाम के अंदर ईपीएफओ का एग्जाम

सो दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन दे गो नोट डेफिनेटली गो नोट नीड मोर एम्प्लॉयज बेसिकली मोर ऑफिस टू मैनेज सो इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर यू येस एग्जाम इज गो नो बी कनेक्टेड वेरी वेरी सुन राइट ई पी एफ ओ का जो ट्वेंटी फोर वाला एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी भी होगा दैट इज एन श्योरिटी राइट वो बिल्कुल होगा बट बट अगला क्वेश्चन आएगा कि सर अभी 2023 के तो इंटरव्यूज भी नहीं हुए और आप हमें कह रहे हो अभी 2023 के इंटरव्यूज की डेट भी नहीं आई राइट इनके इंटरव्यू की डेट भी नहीं आई और आप हमें कह रहे हो 2024 के अंदर भी एग्जाम होगा राइट सो माई डियर फ्रेंड्स इंटरव्यू भी बहुत जल्दी करेक्ट हो जाएंगे और यूपीएससी e बहुत ही पर्टिकुलर रहता है अपने शेड्यूल के साथ राइट यूपीएससी अपने शेड्यूल के साथ बहुत पर्टिकुलर रहता है

दे विल डेफिनेटली उन्होंने सून उसके बाद फटाफट से वो अगले साल इसी ट्वेंटी वाले एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को वो स्टार्ट कर देंगे उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे तो शेड्यूल भी आ जाएगा आपके सामने राइट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जो शेड्यूल है एग्जाम का वो भी आपके सामने आ जाएगा कैलेंडर के अंदर ही आ जाएगा यूपीएससी के आप वहीं पर देख लेना कब हो रहा है एग्जाम और कब नहीं हो रहा तो आपको अब आप क्या सोचना चाहिए पहली चीज कि एग्जाम तो होने वाला है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमारी प्रिपरेशन का है प्रिपरेशन के लिए कैसे जाना है आपको द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी प्रिपरेशन सर ठीक है आप बता रहे हो एग्जाम हो रहा है आपकी आपकी बात बात सुन ली हमने आपकी बात मान ली हमने मान कि एग्जाम होगा पोस्ट निकलेंगी बहुत सारे ऑफिसेस खुल रहे हैं तो ब्रांच एग्जाम लेंगे वो उनको नीड पड़ेगी एम्प्लॉय की तो so, ठीक है सर अब प्रिपरेशन है क्या करें लेकिन एपीएफ एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रिपेयर कैसे करना है कौन से टॉपिक को पहले प्रिपेयर करके रख ले तो हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी ना जब भी नोटिफिकेशन आएगी नोटिफिकेशन के बाद एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग टू डेज टू डेज जरूर मिलेंगे आपको तो तब भी आपके पास इतना टाइम तो जरूर होगा हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पर्टिकुलरली आपके ईपीएफ लाइक अकाउंटिंग के टॉपिक्स होते हैं कुछ लेबर लॉस कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक होते हैं जो आप उसको तब भी प्रिपेयर कर सकते हो इनफ टाइम होता है कि आप तब भी डेडिकेटेडली अभी एक बार करके दोबारा आप उसको अभी सिर्फ ओवरव्यू से थोड़ा करके क्योंकि तो अभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं है हमारे पास और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो मैं आपको अकाउंटिंग या फिर इंडस्ट्री रिलेशन देर आर सम मोर टॉपिक्स एज वेल जो कि थोड़ा सा फॉरगेटेबल होते हैं कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं उनको तो बेटर है कि अभी इन टॉपिक्स की थोड़ी सी बस प्रिपरेशन करके अभी ओवरव्यू करके तब ढंग से प्रिपेयर किया जाए अच्छे से इसको बट फॉर द टाइम बिंग प्रिपरेशन की जब बात आती है जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके इकोनॉमी पॉलिटी राइट हिस्ट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट करंट अफेयर कंटिन्यूस प्रोसेस है इसको आपको अभी से प्रिपेयर कर लेना चाहिए यू शुड बी प्रिपेयरिंग ऑल दीज टॉपिक्स, राइट नाउ ओनली अभी, के, अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए करंट अफेयर तो डेली बेसिस पे करते चले जाओ उसको रिवाइज करते चलाओ वीकली मंथली राइट right, इसी बेसिस पे को आगे कंटिन्यू करो सो दैट सो दैट जब एक्चुअली नोटिफिकेशन आए को पूरी तरीके से कवर करके जाओ सिलेबस की कम्पलीट कवरेज करके जानी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट की होती है जहां पर हम मिस आउट कर जाते हो हम दूसरी चीजें सोचते रहते हैं कि कोई ऐसा कोई नोट मिल जाए या वैसा कोई शॉर्टकट मिल जाए राइट right? कि हमारा वो पढ़ के हमारा एग्जाम निकल जाए तो ऐसा कोई राम नहीं होता अगर कोई कह रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दे आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज इसकी आप कंप्लीट कवरेज करके जाओ हर चीज करके जानी होती है सिलेबस पूरा करना होता है कि टॉपिक करना होता है उसको रिवाइज भी अच्छे से करना होता है उसके बाद टेस्ट भी लगाने होते हैं ओनली देन यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट तभी आप एग्जाम को टारगेट कर पाओगे और क्लियर कर पाओगे और एक ऑफिसर बन पाओगे अंडर ईपीएफ पी एफ राइट so this was all for today's video if you have any more query नी मोर क्वेरी यू कैन राइट कमेंट सेक्शन राइट आज का हमारा पंडा नहीं था आपको इन्फॉर्म करना था कि ये एग्जाम हो रहा है सो so, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू करनी है बिल्कुल बैक सीट ढीले होकर नहीं बैठना रिलैक्स होकर नहीं बैठना कि एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा फिर टेंशन भी नहीं लेनी आपको अपने पूरे फुल पैशन का पूरे जोश के साथ प्रिपरेशन करनी है एग्जाम होने वाला है अपना हमें ऑल सेटर है जिस भी डेट को नोटिफिकेशन आई हम उस दिन को रेडी रहे जो हमारा जितना टारगेट था वो तब तब तक अचीव कर चुके हों इतना सब कुछ पढ़ के रेडी रख चुके हों तब हमारा सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हमारे टेस्ट लगने चाहिए दैट इट दैट शुड बी स्ट्रेटेजी राइट सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू